कोटा की विद्यानगर अमन कॉलोनी में दिन दहाड़े फायरिंग कर फरार हुए बदमाशों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है जो बदमाशों के संभावित ठिकानों पर दबिशें दे रही है। पुरानी रंजिश के चलते कल दिन दहाड़े अमन कॉलोनी निवासी प्रॉपर्टी डीलर फरीद के घर के बाहर बदमाशों ने फायर किया था। बदमाशों ने काफी देर तक घर के बाहर खड़े होकर धमकाया और फिर मकान के बाहर गोली चलाकर भाग गए। वारदात में 2 से 3 बदमाश शामिल बताए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बूंदी निवासी आरोपी मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 8 अगस्त को बोरखेड़ा के अक्षरधाम कॉलोनी में हरिओम सुमन नाम के व्यक्ति के सोने मकान में चोरी की वारदात की थी, जहां से सोने चांदी के जेवर और 50,000 रुपए की नकदी चुराई थी। आरोपी बूंदी का हिस्ट्री शीटर है। आरोपी से चोरी के अन्य वारदातें खुलने की संभावना है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इंद्र सिंह गोहिल आज कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जुट जाने का आह्वान किया। दाधीर छात्रावास परिसर में आयोजित बैठक में कोटा के सभी प्रमुख कांग्रेस नेता और एक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंद्र सिंह ने पत्रकार से मुखातिब होते हुए कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजना का आमजन को बेहद लाभ मिला है और राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है। आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनावी मैदान में डटेगा और राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। कोटा के नया गांव क्षेत्र में एक मकान के किचन के अंदर रखे ओवन में कोबरा सांप आकर बैठ गया। घर में मौजूद महिला ने ओवन में बाटी सेकना चाहा तो इस दौरान उसे ओवन के अंदर बैठा कोबरा सांप दिखाई दिया। महिला के हाथ पैर फूल गए। घर के अन्य सदस्य भी किचन में पहुंच गए। तत्काल स्नेक कैचर को मौके पर बुलाया गया। स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने सावधानी पूर्वक कोबरा सांप को पकड़ा। 4 फीट लंबे ब्लैक कोबरा के पकड़े जाने के बाद घर में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। कोटा के नेहरू कॉलोनी इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने एक दुकानदार पर हमला कर दिया। बदमाशों ने शरीर से अधेड़ व्यक्ति का सर फोड़ दिया। गंभीर घायल अवस्था में दुकानदार बिल्लू जितेंद्र मेहर को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल घायल का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं नयापुरा थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।